और इट इज अ वेरी गुड ट्रेनिंग ऑल्सो। अगर आप चाहते हो तो प्लीज मैं कहूंगी कि यू कैन यू नो एक छोटा सा हम ये रखेंगे कि कौन सा प्रोडक्ट आप फर्स्ट लेना चाहते हैं, तो 12 दिसंबर से वी कैन स्टार्ट डूइंग दैट कि ये प्रोडक्ट के बारे में दो लोग चार लोग जो भी है अपने विजन डाले और उधर भी कोई टेस्टिमोनियल से जिसको अच्छा लगा, जैसे हैंड एंड बॉडी लोशन है तो उससे किसी को रिजल्ट मिले तो वो आके उससे लिए बात करे। वन ईच प्रोडक्ट कैन मेक यू मिलियन, वन ईच प्रोडक्ट। यस, आप अग्री करते हो? सोप इंडस्ट्री इटसेल्फ इज अ ह्यूज बिलियनर इंडस्ट्री है, तो एक एक डीएक्सएन का प्रोडक्ट भी हम वो प्रमोट कर सकते हैं। लेकिन आज का मेरा टॉपिक है वो बहुत हटके, मैंने बहुत सोचा था सितंबर में, वो अगस्त सितंबर से चाहती थी लेने को, लेकिन कोई थोड़ी इश्यूज हो गई तो मैं नहीं ले पाई, लेकिन आज वो 10 मिनट में लूंगी और फिर इसका अच्छे से इन डिटेल सेशन हम बाद में रखेंगे। स्नेहांकन, इस शब्द से आपको क्या मालूम होता है? आयुर्वेदा का ये बड़ा शब्द है स्नेहांकन। आप क्या जानते हो व्हाट इज स्नेहांकन? ये इंटरएक्टिव सेशन मैं चाहती हूँ, 10 मिनट में खत्म करेंगे, लेकिन यू हैव टू टॉक। व्हाट इज स्नेह? प्यार, प्रेम या अंकन, मतलब क्या होता है? इट इज अ पुटिंग द केयर प्रेशर या तो इमेजिनेशन। जैसे फैला ने कहा कि खुद की केयर करना बहुत जरूरी है, इब्रत ने कहा यस वी आर सपोज टू कंज्यूम, तो स्नेहांकन यही कहता है कि इट इज अ लव फॉर योरसेल्फ, इट इज अ लव फॉर दी अदर्स। एक ऐसा अंश जो आप खुद के लिए और दूसरे के लिए चाहते हो, तो ये स्नेहांकन से क्या होगा? वी कैन हैव अ हेल्थ एंड ब्यूटी। व्हाट वी कैन हैव इज अ हेल्थ एंड ब्यूटी। दोनों चीज एक ही शब्द में आप पा सकते हो और डीएक्सएन के सभी प्रोडक्ट्स, ट्रस्ट मी, ईच एंड एवरी प्रोडक्ट हैज अ वेलनेस आल्सो एंड द ब्यूटी आल्सो। कैन यू इमेजिन दैट? ये स्नेहांकन में पॉसिबल है। व्हाट इज द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ योर बॉडी? ये स्नेहांकन क्यों जरूरी है? व्हाट इज द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ योर बॉडी? इज स्किन। कौन सा है ये? स्किन, ये आपका बॉडी का सबसे बड़ा ऑर्गन है। और ये जो बड़ा ऑर्गन है वो सिर्फ बाहर से है क्या? इज इट फ्रॉम आउटर पार्ट ऑफ द बॉडी? इनर पार्ट भी है इसका, बाहर का और अंदर का। कैन यू इमेजिन अ लेडी, इनका अगर स्किन ही नहीं है, अंदर लीवर किडनी आप सब ट्रांसप्लांट ऐसे देख सकते हो तो मजा आएगा, वो बॉडी फंक्शन कर पाएगा इनका? अगर इन्होंने ऐसे सोचा कि मुझे सिर्फ मैं ऊपर कपड़ा डालूंगी, मेरा स्किन नहीं चाहिए, चलेगा? नो, दैट इज अ मेन प्रोटेक्टर। आपका एक पूरा शील्ड है, वो आपका एक प्रोटेक्शन का लेयर है जो आपको बाहर से अंदर से दोनों तरफ से आपको मजबूत रखने को, प्रोटेक्ट करने को मदद करता है। सो दिस इज द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ योर बॉडी। तो इसको क्या किया जाए? आपको इसको क्या करना चाहिए? स्नेहांकन, मतलब उसको प्यार से रखना चाहिए। द बिगेस्ट ऑर्गन ऑफ द बॉडी रिक्वायर स्नेहांकन, उसको आपको अच्छे से ट्रीट करना चाहिए, उसको अच्छे से संभालना चाहिए। कैसे होगा? इंटरनल और एक्सटर्नल, मतलब बाहर से भी आपको करना है और अंदर से भी आपको करना है। इंटरनल में एक वाटर थेरेपी चलेगी और एक ऑयल थेरेपी चलेगी, एक्सटर्नल में भी वाटर और ऑयल थेरेपी चलेगी, वो कैसे हम आगे देखेंगे। बाह्य स्नेहांकन के लिए हम क्या करते हैं? बॉडी मसाज करते हैं, जो आजकल हम भूल गए, सिर्फ अभ्यंग स्नान दिवाली में 5 दिन किया और भूल गए तेल लगाने को, ऐसे होगा चलेगा? इमेजिन करो अगर हमने तेल ही नहीं लगाया शरीर को तो चलेगा क्या? हमारी गाड़ी दौड़ेगी शरीर की? नहीं। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, द बाह्य स्नेहांकन बाय ऑयल थेरेपी और द वाटर थेरेपी। एलोवेरा, कुदरत की सबसे बढ़िया चीज जो हमने फील नहीं की, समझ में नहीं आया कि ये किस चीज के लिए उपयोग होता है, लेकिन जब मैंने एलोवेरा का उपयोग देखा तो आई वॉज वेरी शॉक इन 2005 में मैंने अरोमा थेरेपी का कोर्स किया था विद डॉक्टर उर्जिता जैन एंड डॉक्टर रेखा राव फ्रॉम तेलंगाना, आंध्रा, हैदराबाद से।
इट वॉज जस्ट एक शौक था मुझे कुछ करने का और एक कुछ अलग से करने का, तो मैंने अरोमा थेरेपी किया एंड आई बिकेम अ अरोमा थेरेपिस्ट. लेकिन वो सिर्फ शौक के लिए था, ट्रीटमेंट के लिए मैं किसी पेशेंट को हैंडल नहीं की. लेकिन यस, इसका फायदा ये हुआ कि बहुत सारे जो न्यूट्रिएंट्स है, जो हर्ब्स है, वो मेरे सामने आए. बहुत सारे ऑयल्स जो हम सोचते हैं कि ये ऑयल क्या कर सकता है, तो वो ऑयल के बेनिफिट्स मेरे सामने आए. उनका सुगंध, क्योंकि फूल मुझे बहुत अच्छे लगते थे, तो मैंने सोचा अगर फूल के सुगंध अरोमा ये अगर तेल में पाए जा सकते हैं तो क्यों नहीं वो कोर्स करे. देन आई हैपन टू सी कि बहुत सारे ये जो अरोमा ऑयल्स है वो हमारे हर रोज के जीवन में भी अलग चीज ला सकते. एंड डॉक्टर लिम हैज डन द सेम थिंग, द सेम हर्ब्स, सेम अरोमा ऑयल्स ही हैज यूज्ड इन दिस ऑल प्रोडक्ट्स. एलोवी, कितने लोग है एलोवी जेल यूज करते हैं, यू यूजिंग? ओके, एलोवेरा का फायदा क्या है? एलोवेरा पहला काम क्या करता है? आप फेशियल करते हो तो उस वक्त क्या करते हो? क्लेंजिंग करते हो. क्लेंजिंग मतलब साफ सफाई करते हो, सफाई होती है. उसके बाद इमीडिएट क्या देता है एलोवेरा आपको? कूलिंग देता है, आपके बॉडी को कूलिंग देता है. आपके स्किन को क्या करता है वो? मॉइस्चराइजर देके कूलिंग देता है. तो जब आप एलोवी जेल यूज कर रहे हो, आप क्लेंजिंग भी कर रहे हो और आप क्या कर रहे हो? मॉइस्चराइजर दे रहे हो. इसका मतलब कूलिंग दे रहे हो. मतलब जो फेशियल की चीज जो आप जाके 1000 रुपया 1500 रुपया देते हो, वो केवल एलोवी जेल में आप पा सकते हो. सो एलोवी इज अ स्किन क्लेंजिंग. यू यूज एक्स्ट्रा ऑयल फ्रॉम योर फेस. आपके शरीर का, स्किन का जो एक्स्ट्रा ऑयल है, जो डर्ट है या डस्ट है, बाहर का जो भी आपको रेस का प्रोटेक्शन चाहिए, वो आप एलोवी जेल से ले सकते हो. एक तजेलदार, रेडियंट, स्पार्कलिंग स्किन जो आपको चाहिए, वो आप एलोवी जेल से पा सकते हो. मैंने बहुत बार लेडीज को देखा है कि आफ्टर बाथ, स्पेशली व्हेन दे आर यंग एंड स्पेशली व्हेन दे आर ग्रोइंग एज, ओके, उस वक्त आपको बाथ के बाद, मतलब वाटर थेरेपी, आप नहाते हो यानी आपके शरीर को आप साफ करते हो, फिर भी उधर मॉइस्चर की जरूरत रहती है, तो उस वक्त एलोवी लोशन, हैंड एंड बॉडी लोशन बहुत अच्छे से काम करता है. ये आफ्टर बाथ फेशियल भी हो सकता है, एंटी रिंकल लोशन हो सकता है, आफ्टर शेव भी आपको उपयोग में आता है. कोई बच्चा अगर स्विमिंग के लिए जा रहा है तो ये लगा के जाए, तो वो टैनिंग जो होता है क्लोरीन वाटर का, वो टैनिंग आप अवॉइड कर सकते हो. अगेन यू आर गेटिंग अ मॉइस्चराइजर एंड स्किन कूलिंग. इसको वाटर बेस्ड बनाया डॉक्टर लीम ने, ताकि आप हर सीजन में यूज कर सकते हो. अगर मॉनसून है आप यूज कर सकते हो, विंटर है आप यूज कर सकते हो, समर है तो भी आप यूज कर सकते हो. और एलोवी हैंड एंड बॉडी लोशन का एक और फायदा मैं बोलती हूँ, मैं खुद यूज करती हूँ. अगर आप धूप में जा रहे हो तो प्लीज प्रोटेक्शन के लिए इसको आप यूज कर सकते हो. बच्चों के लिए यूज कर सकते हो. नैपी रैशेस आते हैं तो उस वक्त भी आप ये एलोवी हैंड एंड बॉडी लोशन यूज कर सकते हो. एक अच्छे स्किन के लिए, एक अच्छे ब्यूटी के लिए और एक स्किन प्रोटेक्शन के लिए मॉइस्चराइजर का फायदा बहुत हो रहा है. एंड दिस इज द वन ऑफ द प्रोडक्ट आई वुड से कि अगर मार्केट में आपको लगता है कि ब्यूटी इज अ बिग मार्केट, यहाँ पे ऐसे बैठे हैं कि जिनको लगता है वेलनेस इज अ बिग मार्केट, हेल्थ इज अ बिग मार्केट, के ब्यूटी इज अ बिग मार्केट. विच इज अ बिग मार्केट? ब्यूटी. मैडम एकदम हंस के चुपके से शर्मा दी हो, अगदी छान लाजून त्यांनी उत्तर दिलं असं सरळ शब्दात. येस, पीपल आर लुकिंग फॉर दॅट कि मैं कैसा दिखू, ये इसपे ज्यादा खर्च होता है. अगर आप देखो द टर्न ओवर ऑफ द बिजनेस, द एंटरप्रेनर्स मोर इज ऑन द रिफ्लेक्शन, कि मैं कैसे दिखता हूं इसके ऊपर ज्यादा खर्च होता है. एंड दिस इज अ वन ऑफ द यूनिक एंड वन ऑफ द वेरी वाइटल प्रोडक्ट आई वुड से. आपके पूरे शरीर के लिए, प्रोटेक्शन के लिए अच्छा है, पूरे शरीर के लिए. और इसका मार्केट आप खुद देख लो. आप किसी को एक बार गिफ्ट करो, कभी हम जाते लाइक नो बर्थडे पार्टीज या किसी भी इसमें, तो उनको गिफ्ट करो या तो उसको प्रमोट करो. एक बार मेरे पास, मैं चीज बोलू, एक बार किसी को अगर गलती से ये प्रोडक्ट उसके घर में गया, कितने लोग यूज करते हैं पहली चीज? एक बार गलती से भी ये प्रोडक्ट इसके घर पे गया, आप मुझे बोलो कि वापस नहीं मांगेगा ये वापस जरूर आएगा, वापस जरूर आएगा. आप कितने साल से यूज कर रहे हो? दो साल से. बंद करना चाहोगे? नहीं. देखो, दिस इज अ शार्प आंसर, बिकॉज
अनलेस यू यूज इट, उसका एक्सपीरियंस उसका अनुभव नहीं लेते हो तब तक आपको मजा नहीं आएगा, और जब मजा आएगा तो लोग रुकेंगे नहीं, दे विल कंटिन्यू. आउटर पार्ट वाटर थेरेपी पे जो क्लेंजिंग होता है वो होता है बालों का. बहुत सारी महिलाएं ना जो साइनस है या तो सर दर्द है कुछ तकलीफ है तो वो हेड बाथ लेना उनको अच्छा नहीं लगता. साइनस है, माइग्रेन इश्यू है, तो हेड बाथ लेने के बाद क्या होता है उनको हेडेक हो जाता है तो वो अवॉइड करती है. उस वक्त भी गैनोडर्मा शैम्पू इज रियली वर्किंग ब्यूटीफुल. सिर्फ शैम्पू नहीं, ये अपने कंडीशनर के हिसाब से भी काम करता है. छोटे बच्चों के लिए बेबी शैम्पू के हिसाब से आप यूज कर सकते हो, ब्यूटी शैम्पू के हिसाब से यूज कर सकते हो. बहुत नेचुरल ऑर्गेनिक है तो कोई भी ये यूज कर सकता है. नेक्स्ट, अगेन ऑयल थेरेपी, चबी बेबी ऑयल. कितने लोग चबी बेबी ऑयल यूज कर रहे हैं? चबी बेबी ऑयल, द बेनिफिट्स ऑफ चबी बेबी ऑयल, बहुत सारे अरोमा ऑयल्स इसमें है. जो मैंने कहा ना, डॉक्टर लीन इज अ बिग विजनर, इज अ लार्ज विजनर. उन्होंने चबी बेबी ऑयल, नाम तो चबी रख दिया, लेकिन ये बच्चों के लिए सिर्फ नहीं है, ये हम सब लोगों के लिए. टैनिंग निकाल लेको, एल्बो टैनिंग, टैनिंग है, या तो आपको चाहिए आपका स्किन एकदम सफल रहे, आपका प्रोटेक्शन, आपका जो प्रोटेक्शन शील्ड है वो अच्छे से रहने के लिए एकदम माइल्ड फ्रेग्रेंस चाहते हो तो दिस इज द वन ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट. ये ऑयल, चबी बेबी ऑयल बच्चों को लगा सकते हो, आपके यंगस्टर्स है घर पे, लड़के हैं लड़कियां हैं जो यंग एज में है तो उनको आप शरीर पे यूज कर सकते हो, आप खुद के लिए भी यूज कर सकते हो. बिकॉज जो 40 क्रॉस है लेडीज तो उनको कैसे ऑयल कमी होता जाता है बॉडी का, तो उस वक्त चबी बेबी ऑयल इज अ वेरी गुड प्रोटेक्शन एंड यू नो रिफिलिंग ऑयल फॉर द बॉडी. आपको रिंकल फ्री करने के लिए, आपकी स्किन को एकदम सॉफ्ट और ग्लिटरिंग करने के, एकदम शाइनिंग करने के लिए बहुत बढ़िया है. जितने भी लोग चबी बेबी ऑयल यूज कर रहे हैं खुद के लिए तालियां बजाएं. तालियां इसलिए क्योंकि हम यंग होना तो चाहते हैं लेकिन यंग होने के लिए कुछ करना नहीं चाहते. सो चबी बेबी ऑयल इज समथिंग लाइक यंग होने के लिए खुद को चबी बनाना चाहिए. ऑयल थेरेपी में एक यूनिक, मतलब आई वॉज वेरी अमेज, इसको मैंने ना हमेशा ऐसे बाजू में रखा था, फ्री में भी आया था ना तो उसको खाए जायच होते चांगला का तरी फ्री जायच होता है. जब मैंने इसका सेशन सुना तो आई रियली वॉज वेरी अमेज और खुद के लिए बुरा लग रहा था कि इतने दिनों से ये ला रहे, खुद के पैर को रगड़ रहे, स्किन को रगड़ रहे, पी रहे, लेकिन मुझे क्यों नहीं इसका बेनिफिट समझ में आ रहा था. जब डॉक्टर एस रंजन और डॉक्टर रत्ना मैडम ने इसका सेशन लिया फिर मैंने चुपके से इसका स्टडी शुरू किया. क्योंकि किसी के कोई बोल रहा है तो भरोसा मत करो, मत करो, खुद देखो, खुद अनुभव करो. तो सर्च किया, द वर्जिन कोकोनट ऑयल इटसेल्फ इज वेरी बेनिफिशियल, उसमें गैनोडर्मा डाला है, यानी दूध में शर्करा युक्त, दूध में शक्कर डाल के अगर अच्छे से दे दी जाए तो वो दूध दुग्ध शर्करा योग जो कहते हैं ना, वो सोने पे सुहागा. आई वुड से दैट पे इसका जो बेनिफिट देखा तो मैंने जैसे इब्रत ने कहा कि इट इज फॉर द एंटायर बॉडी, आउटर पार्ट है, इनर पार्ट है, किधर भी लगा सकते हो, कुछ भी कर सकते हो. खाना बनाने के लिए ये आसान है, आप खाने के ऊपर डाल सकते हो, रोटी में लगा सकते हो, आपके पुलाव पे, बिरयानी पे, दाल चावल में डाल सकते हो. मैं सब्जी बनाती हूँ जब ग्रीन वेजिटेबल्स आप बनाते हो, सलाड बनाते हो, उसके ऊपर टॉपिंग डालो. फायदा क्या है? इट गिव्स योर बॉडी को वाइटल रखने के लिए, मूवमेंट्स रखने के लिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया. और सबसे ज्यादा अगर आप आपके हस्बैंड को प्यार करती हो, चाहते हो और उसके मंटा था लक्ष्मी पति चा हृदय वास करते, अगर वो हृदय फिट रखना चाहते हो तो लॉरिक एसिड इसमें, कि जो आपके पति के हृदय को, दिल को मजबूत रखेगा. लॉरिक एसिड का जो पावर इसमें है तो वो एक कार्डियक डॉक्टर है, कार्डियोलॉजिस्ट है, वो समझ सकता है, एक डाइटिशियन समझ सकती है इसका क्या जज्बा है. वो लॉरिक एसिड इसमें बैठा हुआ था एंड आई वॉज रियली अनहैप्पी. मेरे घर में चुपके से 6-7 बॉटल पड़ी थी जो फ्री आई थी, तो पहले तो मैं उसको ऐसे
घरात काहीतरी अडचण असल्यासारखं पाहत होती. बट नाव इज अ कंडिशन, अभी सिर्फ एक ही बॉटल बची तो वो खत्म हो गए. अभी परचेस करके वो मैं लेने के लिए तैयार हूँ. 615 रुपया अभी मुझे ज्यादा नहीं लग रहा है. इनफैक्ट आई एम वेटिंग कि जो फ्री वाली हट जाए और मैं खरीद के खाऊं, क्योंकि आज तक वो 6-7 जो फ्री आई थी वही ले रही थी. सो द इम्पोर्टेंस कम्स व्हेन यू स्टार्ट यूजिंग इट. आप जब उसको पीना शुरू करते हो, अपनाना शुरू करते हो, अप्लाई करना शुरू करते हो, तब उसकी मजा, उसका नजाकत समझ में आता है. दिस इज द बेस्ट थिंग. गैलो वर्जिन ऑयल आप नाभि में डाल सकते हो. और सबसे बढ़िया, अगर शांति से सोना चाहते हो एंड लिम्फेटिक ड्रेनेज, आई डोंट थिंक सो, आपको ये शब्द थोड़ा अलग से लगेगा, लेकिन अरोमा थेरेपिस्ट के लिए हमारा हर रोज का, एंड डाइजेशन के लिए भी हर रोज का चीज है. एक ऐसा आपके शरीर का फ्लूइड कि जो आपको आपका काम, शरीर के काम करने के लिए और शरीर से गंदगी बाहर निकालने के लिए जो काम करता है, प्रोसेस करता है, वो प्रोसेस करने के लिए अगर आप हर रोज चाहते हो तो पैरों के तलवे में ये वर्जिन कोकोनट ऑयल लगाना बहुत जरूरी है. हम कहते हैं ना लक्ष्मी जी पावलो, सो दिस इज द सेम थिंग. अगर हम इन पैरों को अगर हर रोज आप देखोगे, मैं बोल रही हूँ इसलिए नहीं, खुद यूज करो, खुद यूज करो, पैरों के तलवों को अगर आप वर्जिन कोकोनट ऑयल हर रोज लगा दो, ट्रस्ट मी, ट्राई इट आउट फॉर 7 days, 10 days, 15 days, जो चेंज आपको मिलेगा दैट इज अमेजिंग चेंज, दैट्स अमेजिंग चेंज. और वो खुद एक्सपीरियंस करके 12 दिसंबर के आई थिंक सेशन में हम जरूर पूछेंगे कि कितने लोगों ने ये यूज किया. अगेन ऑयल थेरेपी में एक स्लोगन है, I'll take 5 minutes more. Yes, yes. एक स्लोगन है, ब्यूटिफुल गॉर्जियस हेयर इज द बेस्ट रिवेंज. मतलब बहुत सारे सुंदर से घने से बाल एक अच्छा सा रिवेंज है. अग्री करते हैं? Yes. कोई अगर ब्यूटी बाल उड़ा के जाती है तो सब हट जाता है, सिर्फ वो बाल दिखाई देते हैं? Yes. और कुछ भी दिखाई नहीं देगा, बराबर है? तो वो गॉर्जियस है सिर्फ औरतें चाहती है क्या? नहीं, जो जो यंगस्टर्स है वो ज्यादा चाहते हैं. अभी कॉलेज शुरू होने के बाद देखो सब जुल्फे एकदम ये करो वो करो, सब जुल्फे ऑन हो जाएंगे. दिस इज द बेस्ट 20 हर्ब्स है इसमें. अगेन अरोमा ऑयल, डॉक्टर लिम, व्हेन आई हैव गॉन थ्रू माय बुक्स इन दिस 6-7 मंथ्स टाइम कि अरोमा से क्या क्या किया जा सकता है, 20 हर्ब्स है इसमें. ऑल तरह की जो आयुर्वेदिक तत्व हमारे बालों के लिए जरूरी है, हमारे स्काल्प के लिए जरूरी है, हमारे लिम्फेटिक ड्रेनेज के लिए जो जरूरी है, वो सब इसमें मौजूद है. जब आप अप्लाई करते हो 40 मिनट्स रखना है, बाल धोने से पहले 40 मिनट आपको लगाना है, उसके बाद ये तो ठंडा हो जाता है, क्योंकि ठंडा दिमाग ही अच्छे से काम कर पाता है, गर्म दिमाग तो अच्छे से काम नहीं कर पाएगा. सो पहले ठंडा ठंडा कूल कूल, उसके बाद उसको बराबर से न्यूट्रिशन देता है, परफेक्ट न्यूट्रिशन बालों को देता है, स्काल्प को देता है, आपके पूरे बॉडी तक ये जो न्यूट्रिशन पहुंचाता है अच्छे से बाल देने के लिए, घने अच्छे से बाल देने के लिए ये उपयोगी होता है. इट इज अ वेरी यूनिक ऑयल. इसका एक सेशन हम जरूर रखेंगे कि इसमें जो ऑयल्स दिए हैं उसका फायदा क्या होता है. मतलब 12 ml का भी एक इसमें ऑयल है जो 12 ml उस 100 ml में डाला है, तो उसमें भी उसका कितना फायदा आपके बालों को, आपके स्काल्प को होगा. अगर अभी से आप अच्छे से बालों को निखारना शुरू करोगे तो शायद आपको बाद में वो जो तकलीफ होती है ये ट्रीटमेंट वो ट्रीटमेंट वो अवॉइड कर सकते हैं. और हमारी जो न्यू जनरेशन आई थिंक यंगस्टर्स है, लड़के हैं लड़कियां, तो उनके लिए यूज कर सकते हैं. इसका और एक यूनिक मैं चीज बोलती हूँ, मेरा बेटा जब हम नीली तेल हम लेके गए ना घर पे, बोला नवीन एक कुठलं तरी तेल आणलं घाला चिपा, एंड देन यू नो ही सेड कि इसका स्मेल क्या होगा पता नहीं, लेकिन माँ बाप कुछ लाते हैं तो अच्छा ही लाते, फिर भी वो थोड़ा सा लग रहा था कि बोल रहा था. 10-15 दिन होने के बाद, हर रोज सुबह नहाने के बाद इसका चालू हो गया. देन एक बार वो स्विमिंग से आ रहे थे तो मेरे को फोन आया इनके फ्रेंड के वाइफ का कि वो अथर्व क्या यूज कर रहा है, क्योंकि उसके बाल पहले थोड़े ब्राउनिश थे, अब एक थोड़ा ब्लैक लग रहे हैं और स्ट्रेट और स्पार्कलिंग है. स्विमिंग पूल के बाद भी अगर वो वैसे दिख रहे हैं, इसका मतलब वो ओरिजिनल कुछ तो यूज कर रहा है.
क्योंकि जब आप क्लोरीन वाटर में हमेशा जाते रहते हो व्हेन शी डज द स्विमिंग वो शरीर खराब मतलब स्किन से स्पॉइल्ड। तो मैंने कहा कि बालों के लिए तो वो नीले तैलम यूज कर रहा है, तो वो एक काम करो दो बॉटल भिजवा दो। अरे शॉक विद दैट, दो बॉटल भिजवा दो। मैंने कहा ये दो बॉटल किस लिए बाद में पूछूंगी, पहले मेरे बच्चे को पूछूंगी तो क्या कर रहा है, क्योंकि ये पता नहीं था कि ये नीले तैलम से क्या कर रहा है। तो उसको पूछा, बोला नहाने के बाद तुरंत आई भी है ना तेरे चार पांच दिन गए तो बालों को लगा दो एज अ सीरम। यू अंडरस्टैंड सीरम? या सीरम मतलब वो उसके क्रीजी बालों को स्ट्रेट करने के लिए जो चाहिए वो सीरम, नेचुरल ऑर्गेनिक जो यूज करना है वो नीली तैलम को यूज कर रहा था। तो अच्छे से वो बाल सेट हो रहे थे, क्लोरीन वाटर का इफेक्ट बालों पे नहीं आ रहा था, वो काले घने और उसको चाहिए वैसे आराम से सेट हो जाते थे, जिधर चाहिए जुल्फ निकालो चलता है ना, 20 साल का लड़का है तो ऑब्वियसली थोड़ा वो जाल बिछा के रहेगा। तो इवन हमने वो 20 साल का जीवन जिया है, हम भी तो थोड़ा जाल बिछा के ही रहते थे। तो दैट्स वेरी नेचुरल, इट्स अ एज, मतलब हर आदमी अपने एज से जाता है, सो दैट्स वेरी ब्यूटी। तो वो जो सेटिंग था उसका तो वो अच्छा लग रहा था। देखो अगर मैं वो नीली तैलम घर पे नहीं लेके जाती थी तो वो नहीं होता था। एंड टुडे इज अ रीजन, उनके ग्रुप के जो पहले बोलते थे क्या एमएलएम करते हैं, क्या डायरेक्ट सेलिंग करते हैं, पता नहीं ये लोग क्या कर रहे हैं मल्टी लेवल मार्केटिंग, आज सब उनके ग्रुप के नीली तैलम। मांग मांगी नीली तैलम यूज करते बिकॉज द प्रोडक्ट हैज गिवन द रिजल्ट, और जब रिजल्ट आता है तो इट वर्क्स बेटर। अगेन ऑयल थेरेपी, गैनो मसाज ऑयल, कितने लोग हैं जो ऑयल थेरेपी यूज कर रहे हैं गैनो मसाज ऑयल, पूरे शरीर के मसाज के लिए, हेड मसाज के लिए, आपको कोई भी पेन है तो उसके लिए आप गैनो मसाज ऑयल यूज कर सकते हैं। इम्प्रूव्स द ब्लड सर्कुलेशन, रिलीफ इन पेन होता है। एंटी बैक्टीरियल, एंटी फंगल, ये चीज को हमने तो कभी देखा ही नहीं, कभी देखा था, कभी नहीं देखा था। जब तक रोशन आरा मैडम यहाँ पे सेशन नहीं ली तब तक हमने इस प्रोडक्ट को देखा नहीं था, बराबर है। ये थेरेपी, ये अरोमा ऑयल किस चीज के लिए यूज होता है, तो स्किन के लिए। लेकिन जब रोशन मैडम ने बोला यू कैन इनहेल इट बिकॉज फॉर योर, आपके लंग्स के लिए बहुत अच्छा है, इसका रिजल्ट मुझे अभी पेंडेमिक में बहुत अच्छा आया। जितने भी लोग थे उनको प्रिवेंशन के लिए मैंने इनहेलिंग के लिए इसको दिया था, और यस डेफिनेटली आपको स्किन के जो भी इश्यू है, इंटरनल एक्सटर्नल जो भी है, तो उसके लिए ये बहुत बढ़िया है। बेबी सोप, गैनोजी सोप, ये छोटा सा प्रोडक्ट है लेकिन इट हैज अ लार्ज टर्नओवर, और बच्चों के लिए भी यूज कर सकते हैं, और हम ये फेशियल का एक फेशियल ब्यूटी सोप के हिसाब से भी हम इसको यूज कर सकते हैं। अगेन डॉक्टर लिन ने यूनिक चीज दी है, वाटर थेरेपी में भी हमको ऑयल थेरेपी दी है, मतलब आप नहाने को यूज करते हो लेकिन फिर भी आपके स्किन के ऊपर वो ऑयल छोड़ के ही जा